नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लाया हूँ पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, कि देखिए क्या है अपडेट कि आपका इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक छात्रों को दिलाएंगे 50 से 100% प्लेसमेंट, मंत्री कमल रानी। तो दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, अमर उजाला के थ्रू दिया गया न्यूज़ है, ट्रस्टेड न्यूज़ है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटे के निशान यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पर मिले। तो दोस्तों चलिए क्या अपडेट बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया आपका कि न्यूज़ में कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को अगले वर्ष से 50 से 100% तक प्लेसमेंट दिलाई जाएगी। इसके अलावा डिग्री व डिप्लोमा सेक्टर में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर खास फोकस किया जाएगा। दोनों सेक्टरों से संबंधित राजकीय व अनुदानित संस्थाओं को 2022 तक NBS से मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कमल रानी वरुण ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी प्रदेश सरकार के 2.5 लाख 2.5 साल कार्यालय पूरा होने के मौके पर अपनी पहली प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने विभाग की उपस्थितियां गिनाते हुए कहा कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, झांसी व गोरखपुर में रीजनल प्लेसमेंट सेंटर और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। अगले साल से इन संस्थाओं से निकलने वाले छात्रों को 50 से 100% तक प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले यह आंकड़ा 30 से 40% था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है कि पहले 30 से 40% था प्लेसमेंट दिलाने की आंकड़ा, अब आपका 50 से 100% तो बढ़ा जाएगा। एंड आगे देखते हैं क्या लिखा गया कि मंत्री ने कहा है कि प्राविधिक शिक्षा के डिजिटलाइजेशन के लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश है कि सरकारी के अलावा निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में ई लाइब्रेरी समेत सभी सुविधाएं डिजिटल रूप में हों। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रत्येक स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। इसमें IIT, NIT और IIM के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति के सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जाएगा। इस मौके पर मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति SN सिंह, HBTU के कुलपति NB सिंह और AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक मौजूद रहे। तो दोस्तों ये थी बहुत ही गुड और लेटेस्ट न्यूज़। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी सभी ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।